हम कहाँ जा रहे हैं? कि तुमने कहाँ जाना है? मुझे दादो के पास जाना है। तुम अब बच्ची नहीं हो जो हर दूसरे दिन दादो के पास जाया करे। क्या बात है शहरयार, परेशान लग रही। मेरी परेशानी की वजह तुम। लेकिन मैंने क्या किया है? प्लीज अपनी बकवास बंद करो और चुप रहो। खुदा का शुक्र है पप्पू कि मेहरू की शादी खुश असलूबी से हो गई। हाँ मियाँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह बच्ची को अपने घर में खुश रखे। मेरा ख्याल है पप्पू, अब आपको राहिल की शादी भी कर देनी चाहिए। जॉब कर रहा है, अब और किस चीज का इंतजार है? कहते तो तुम ठीक हो, अब इस घर को एक बहू की जरूरत है। कोई लड़की देखी आपने? नहीं, अभी तक तो नहीं। एक बात कहूं पप्पू? हाँ हाँ कहो। मैं भी एक बेटी का बाप हूँ, मेरी ख्वाहिश है कि राहिल मेरा दामाद बने। देखिए पप्पू, मैं एक बेटी के बाप होने की हैसियत से ये बात कर रहा हूँ, और आपस में ऐसी बात करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। बात तो तुम्हारी सही है, मगर एक बात है। वो क्या? राहिल किसी लड़की को पसंद करता है। अच्छा, कौन है वो? ये तो हमें भी नहीं पता। आपने देखा लड़की को? नहीं, देखा भी नहीं। क्या मतलब? जब मेहरू की शादी हो रही थी तो हमने राहिल को कहा था कि दोनों की शादी हम एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन राहिल ने साफ इनकार कर दिया था। उसने कहा कि वो अपनी मर्जी से शादी करना चाहता है। तो लड़की नहीं बताई? नहीं, कोई लड़की बताई नहीं। और अगर आप लोगों को वो लड़की पसंद ना आई तो? मियां, ये नया दौर है, नया जमाना, लड़के अपनी मर्जी से पसंद करते हैं। अरल पप्पू, आप प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं। और महम तो मुझे भी बहुत पसंद है। अरे आ रहा हूं यार, सब्र रखो थोड़ा सा। दरवाजा जल्दी नहीं खोल सकता था? अरे इतना जल्दी तो खोला है, और कितना जल्दी खोलूं? दरवाजे का दरबान बन जाऊं क्या? अम्मा देख ले इसको, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ। अच्छा चलो सब कुछ छोड़ो, ये बताओ मेरे लिए घूस लाई हो? मेरा कलेजा रोस्ट करके खा जा। अम्मा देख लियो किस तरह बात कर रही है ये मुझसे। मैं आप लोगों के लिए इतनी देर से भूखा बैठा हुआ था, और ये किस तरह बात कर रही है मुझसे। अच्छा अच्छा ठीक है, चले जा ले आ रोस्ट। आए, मेरी प्यारी अम्मा जीती रहे। मैं बस दो मिनट में, ठीक है? अम्मा देख लिया, मोहब्बत के दावे मुझसे करता है और घूमता है अपनी बीवी के साथ। हाँ कैसे मजे कर रहा था अपनी बीवी के साथ। मैं इन मर्दों की जात को अच्छी तरह समझती हूँ, बहुत चालाक होते हैं ये लोग। मगर अम्मा कैसे? वो ऐसे है कि अपनी महबूबा से कहते हैं कि जी तुम हमारी जान हो, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, बीवी की तरफ तो देखने को दिल ही नहीं चाहता। मगर मगर क्या? मगर जिन बीवियों से वो मोहब्बत नहीं करते ना, वही उनका घर भी संभालती हैं और हर साल उनके बच्चे भी पैदा करती हैं। अब आने दो शहरयार को, मुझसे कहता था तुम नजर नहीं आती तो मेरी दुनिया बेरंग हो जाती है। देखो कैसे इसकी जिंदगी बेरंग करती हूँ, ऐसे मर्दों के साथ होना भी ऐसे ही चाहिए। मैं तेरे साथ हूँ बेटा, चल उठ चेंज कर ले, टोनी रोस्ट लेकर आता ही होगा। बहुत तेज की भूख लगी है, पहले खाएंगे, खाली पेट तो कोई प्लानिंग नहीं होती। उठ जा मेरी बच्चे। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम, आ गए तुम लोग, कैसा रहा दिन? जी अच्छा रहा।
कहाँ कहाँ घूमने गए मेहरू? हम लोग साहिल समंदर पर गए और फिर शॉपिंग के लिए गए थे। और डिनर तो किया होगा ना बाहर? नहीं। यार तुम भी, कम से कम मेहरू को किसी अच्छे रेस्टोरेंट में खाना ही खिला देते। जी वो भूख नहीं थी हमें। इट्स ओके बाबा, मैं खाना लगवा दूं। शेरी नहीं, मुझे भूख नहीं है, मुझे रेस्ट करना है। सो मुझे भी चेंज करना है, आती हूँ चेंज करके। शॉपिंग ही देख लेते मैं रुके। कोई शौक नहीं है मुझे इसकी शॉपिंग देखने का, अच्छी तरह से जानती है इसकी चॉइस को। इतनी भी बुरी नहीं है। मैंने पुप्पो से मामा और राहील के रिश्ते की बात की है, उन्होंने साफ कह दिया है कि राहील अपनी मर्जी से शादी करेगा। आपकी बहन नसीमा ने ना सास को पहले ही फीट कर दिया होगा कि कोई बोले तो ये बोल दीजिएगा, आपकी बहनें बहुत चलाक हैं। तुम ऐसी बात क्यों कह रही हो? क्यों ना कहूँ, देख लीजिएगा, इशरत ही देगी राहील को रिश्ता, ये मेरी छठी हिस कह रही है। ऐसा कैसे हो सकता है, मेरी बहनें हैं, उससे झूठ नहीं बोल सकती हूँ। रहने दें, वो मुझसे दुश्मनी निकाल रही है, आप यहाँ बैठ के ना बहनों की माला जपते रहे। फजूल बातें कर रही हो। अगर राहिल की इशरत के घर शादी हुई तो मैं और मेरे बच्चे नहीं जाएंगे, ये मेरा फैसला है। जीवन के सहरा में खोई मैं हूं। मेहरू बाहर जाओ। मगर क्यों? मैं कहा बाहर जाओ। मगर शहरयार, मेरी बात सुनो। शहरयार, शहरयार दरवाजा खोले। शहरी, शहरी प्लीज दरवाजा खोल दे। शहरयार दरवाजा तो खोल दे। शहरी बेटा, तुम्हारी औकात अच्छी तरह से जानते हैं मेहरू निसरयास अहमद। शेरयार, तुम्हारा कभी भी नहीं होगा। अब पता चला तुम्हें अपनी हैसियत का? मेरे बेटे ने तुम्हें कमरे से निकाल दिया ना, बेहतर है कि तुम उसकी जिंदगी से निकल जाओ, तलाक ले लो और अपने इस ख्वाब से निकल आओ। शरियार तुम्हारा कभी नहीं होगा। ताईजान, अगर शरियार मेरे नहीं होंगे तो आपकी ख्वाहिश पर किसी के भी नहीं हो सकते।
शट अप। अपना मुंह बंद रखो और अपनी औकात मत भूलो, जो कि दो टके की भी नहीं है। निकल जाओ मेरे घर से। औकात तो आपने दिखाई है ताईजान। मेरी माँ बिल्कुल सही कहती थी। क्या मुझे नौकर समझकर बार बार बुलाती रही, और मैं उससे आपकी चाहत समझती रही। कितने नाकाब होते हैं ना लोगों के चेहरों पे, हम कभी पहचान ही नहीं पाते। पागलों की तरह टहल रही है, क्या बात है? अम्मा मैं बहुत गुस्से में हूँ, तू कुछ मत बोल। गुस्से में जान नहीं जलाते बेटा, क्या बात है? अम्मा मुझे शहरयार से ये उम्मीद नहीं थी। हमें जिन बातों की उम्मीद नहीं होती ना, वही बात हो जाती है बेटा। नहीं अम्मा, तुम यकीन करो, शहरयार यकीनन उससे मोहब्बत करता है, जब ये अपनी बीवी को इस तरह शॉपिंग करवा रहा था। शहरयार का फोन है। बात कर बेटा, देख तरह नरमी से बात करना। मेरा बच्चा, हेलो। थैंक्स गॉड सना, तुमने कॉल तो रिसीव की। कहाँ थी तुम? यही थी, मुझे कहाँ जाना है? खफा हूँ मुझसे। मैं कौन होती हूँ तुमसे खफा होने वाली? किस तरह की बातें कर रही हो, मेरा सब कुछ तुम ही हो। और जिसे आज शॉपिंग करवा रहे थे वो? सना बात को समझने की कोशिश करो, वो मेरी मजबूरी है, जबरदस्ती मेरे सर पे थोप दिया गया है। ये सब मर्दों के बहाने हैं, दिल कहीं और लगाते और निभाते कहीं और हैं। सना मैंने जहाँ दिल लगाया है वही निभाऊंगा, वो मेरी मजबूरी है। बस बहलाने के यही बहाने हैं तुम्हारे पास। सना मैं तुम्हें बहला नहीं रहा, मेरा यकीन करो तुम इस घर में उसी तरह होगी जिस तरह तुम मेरे दिल में हो। कब? बहुत जल्द, बस प्लीज जरा सा इंतजार कर लो। देखते हैं। प्लीज सना आप तो मान जाओ, इतना नाराज होने की जरूरत नहीं है। मैं तब मानूंगी जब तुम अपनी बीवी की तरह उसी जगह से मुझे शॉपिंग करवाओगे। बस इतनी सी बात? अरे पागल, मैं तुम्हें उससे ज्यादा शॉपिंग करवाऊंगा। पक्का? पक्का प्रॉमिस। थैंक्स गॉड तुम मान तो गई। कहाँ थी तुम? मैं वो सिद्रा के कमरे में। और कौन था वहां? बस वहां थी। अच्छा गोशी, कल मैं घर चली जाऊंगी। क्या मतलब? मैं नहीं जा रही आपके साथ घर। नहीं, तुम अभी यहीं रहोगी। क्यों? अरे ओबे अकल, तुम्हें यहीं पर रहकर राहिल के दिल में घर करना है। लेकिन अम्मी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुम देख नहीं रही कितने लोग उसे बेटी देने के लिए मरे जा रहे? फिलहाल मैंने तो नहीं देखा। अपनी मामी को ही देख लो, उनका तो बस नहीं चलता, वरना आज ही माहम का निकाह पढ़वा दे राहिल से। तो पढ़वा देना, आपकी भी तो भतीजी है वो। क्यों? राहिल मेरा भांजा है, उस पर मेरा हक है। लेकिन आप भी तो माहम को बहुत चाहती है। बेटा औलाद से बढ़कर कुछ भी नहीं होता, मैंने कहा ना तुम यहीं पर रहोगी। लेकिन अम्मी शादी तो खत्म होगी और मेरा यहाँ रहने का आपको जवाब ही नहीं बनता है। बेटा मैंने तुझसे कहा है ना कि मैं हूँ, सब संभाल लूंगी, बस तुम राहिल को अपने काबू में करो, फिर देखना। फिर क्या करेंगे आप? फिर मैं जल्द से जल्द तेरी शादी राहिल से करवा दूंगी। देख बेटा,
अच्छे रिश्ते बहुत मुश्किल से मिलते हैं और राहिल बहुत अच्छा लड़का है, अच्छी जॉब करता है, अब तो अपना क्लिनिक भी बना रहा है। और हाँ, अगर तू थोड़ी सी हिम्मत करेगी ना तो सारी जिंदगी ऐश करेगी ऐश। अच्छा अम्मी, देखूंगी मैं। बेटा देखना वेखना कुछ नहीं, बस तुम्हें हर सूरत में राहिल को काबू में करना है, उसके खाने का, उसके कपड़ों का, सब चीजों का ख्याल रखना है, फिर देखना राहिल तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। लेकिन अम्मी, जो सब कुछ आप मुझे करने को कह रही हैं, वो करने को मेरा जमीर मुझे गवारा नहीं करता। चल जमीर की बच्ची, लड़कियां अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए क्या कुछ नहीं करती। अच्छा फिलहाल देखेंगे। अच्छा मैं भी आती हूँ। के ऑफिस में काम करती है तो शहरी उसकी माँ को कैसे जानते हैं? कहीं वो सना ही तो नहीं है जिससे शहरियार बातें करते हैं? आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। जो लोग हमें शॉपिंग मॉल में मिले थे उनका क्या नाम है? तुम्हें इससे मतलब? मैं तो वैसे ही पूछ रही थी, वैसे नाम बताने से कुछ हो थोड़ी ना जाता है। क्या नाम है? उसका नाम सना है।